हेलो व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज सतीश एंड वेलकम टू गेम इन्फिनिट। तो भाई लोगों, जैसा कि आपको पता है फ्री फायर में जो नया अपडेट आया है आज की तारीख में, ठीक है, तो आपको कुछ उसमें आपको जो है आपको कुछ नया जो कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको बता दूँ, जो लॉन्च पैड आया था उसमें जो काफ़ी यूज नहीं हो रहा था, बहुत लोग जो पूछ रहे थे सब्सक्राइबर थे अपने कि भाई ये लॉन्च पैड है ये कैसे यूज होगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप इस वीडियो में देख सकते हैं क्या क्या उसमें करना होगा आपको, ठीक है। तो उसी के साथ एक नया एक और अपडेट आया है कि उसमें आपको एक यहाँ पर एक इस जो बम देखने को मिलेगा, ठीक है, उस बम का नाम है आपको ग्रेनेड, जो ग्रेनेड स्किन बोल सकते हैं, तो स्किन नहीं है, कुछ एक बम है उससे मतलब यार धुआं धुआं सा हो जाता है एक तरफ चारों लग, वो उससे जो एनिमी को किल करने में आसानी होती है, ठीक है, वो कुछ देख ही नहीं पाएगा एनिमी है कुछ उस, अगर उस बम को हम अगर यूज़ करेंगे ना, ठीक है, उस बम से आपको कोई एनिमी है को कुछ भी नहीं देख पाएगा एकदम चारों लग, और आप किल करने में आसानी होगी अगर आप खुद यूज़ करते हैं उसको, मतलब आपको अपने टीममेट को जो होता है रिवाइव करना है, ठीक है, रिवाइव करने में आप दिक्कत हो रही था, आप उस बम को यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से अपने टीममेट को रिवाइव भी कर सकते हैं और वहाँ से भाग भी सकते हैं, मान लो, है ना, ठीक है, आपका जब हेल्थ कम हो तो, ठीक है। तो और उसी के साथ एक और अपडेट आया कि जंपिंग शूज था वो खाली जंपिंग मोड में था, ठीक है, तो वो आपको जो अब इस वाले जो हर एक मोड में मिल जाएगा, रैंक मोड के साथ क्लासिक मोड में सभी मोड में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको बस सिर्फ आपको पहले आपको मैं बता दूँ, पहले स्टार्ट में लॉन्चिंग पैड था वो कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जाता हूँ मैं, लॉन्चिंग पैड कहाँ पर मिलते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, गन फन इकट्ठा कर लेनी है, ठीक है, और क्योंकि गन फन जो गन है आपको इसलिए इकट्ठा करनी क्योंकि आपको कोई ऊपर से मारे तो आप उनको भी जवाब में फायर कर सके, ठीक है। तो आपको कुछ लॉन्च पैड इस तरह का देखने को मिलेगा, यूज का ऑप्शन आ जाएगा इस जगह, तो यूज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो बोलेगा कि आपको कहाँ उतरना, मतलब बटन वाला ऑप्शन आ जाए कहाँ पर आपको जाना है, ठीक है, इससे तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा, आपको जहाँ जाना है वहीं चले जा सकते हैं, बस आपको एक बार टैप करना है यहाँ पर जंपिंग वाली बटन पर, ठीक है। तो आपको पहले ये देख लेना सेफ जोन आपका किधर की साइड है, सेफ जोन वो उसी साइड आपको जाना है, ठीक है, पहले आपको मैप ओपन करके सेफ जोन देख लेना है किस तरफ आपका सेफ जोन है, ताकि आप को दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर आप सेफ जोन से उधर की साइड जाएंगे तो आपको मतलब तो दिक्कत हो सकती है। तो आपको सबसे पहले मैप को ओपन करके देखना है सेफ जोन किधर है, तो उसके मतलब सेफ जोन के अंदर की तरफ जाना है, ये सेफ जोन के लिए ही बनाए मैं खासतर, तो मान लो क्योंकि सेफ जोन में फंस जाते हैं बहुत लोग, और यहाँ से ऊपर आप उछल के फायरिंग भी कर सकते हैं, देखो आप गन चेंज करके मैं आपको फायरिंग करके दिखाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप फायरिंग भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका यहाँ पर लॉन्च पैड, तो उसी के साथ मैं अगला आपको बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पर जंपिंग शूज और जो स्किन आई थी वो वाली, जो स्किन नहीं यार बोल रहा हूँ, बॉम्ब वाला था, स्मोकिंग वाला, धुआं धुआं हो जाएगा चारों तरफ, एनिमी कुछ नहीं देख पाएगा, ठीक है, पहले वो देख सकते हैं यहाँ पर वो सीधा भाग के निकल गया यहाँ से, और ऊपर से आप जंपिंग शूज से आप फायर भी कर सकते हैं, जंपिंग, तो आपको यहाँ पर मैं जंपिंग शूज का उपयोग करके आप देख सकते हैं यूज किया मैंने, और यहाँ पर आप जो है एनिमी को किल कर दिया, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एनिमी को किल कर दिया मैंने आप ही के सामने, ठीक है। इसके बाद मैं आपको और दिखाऊंगा कि जो उसका जो यूज है स्मोकिंग बम आया जो आया है उसका यूज और कैसे करते हैं, मतलब आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे यूज काम करता है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर देख सकते हैं जंपिंग फ्यूज का आप यूज करके किल एनिमी कर सकते हैं, पर देख सकते हैं अगर आपको सही तरीका से आपको जंप करना आता तो आप किल कर सकते हैं, विदाउट आप किल नहीं कर सकते। जंपिंग शूज का तभी इस्तेमाल करना जब आपको जंपिंग करके सुहाया हो, चल आपको गन चलाना आता हो, विदाउट आप यूज मत करना, नहीं तो आप खुद मारे जा सकते हो। और अब आप भाई लोगों कुछ आपको दिखा देता हूँ आपको कि जो स्मोकिंग है बम है आपको उसका मतलब जो यूज करके दिखा देता हूँ किस प्रकार उसका वर्क होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले एक जगह बैठ जाता हूँ, ठीक है, आपको दिखाता हूँ किस तरह का वर्क करता है। ये मैंने फेंक दिया यहाँ पर, तो आप लोग देख सकते हैं भाई लोगों यहाँ पर बिल्कुल वाइट स्क्रीन हो जाती है, कुछ नहीं दिखेगा एनिमी को, यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा, आप उसको किल भी कर सकते हैं आसानी से, और यहाँ से आप मान लो आप भाग भी सकते हैं, अपने टीममेट को बचा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये तरह उसका उपयोग था। तो अब जंपिंग शूज का आप इस्तेमाल करके आप किसी भी छत पर जा सकते हैं, कुछ आप सही है रैंक मोड के लिए, सही है, आप मतलब आप यूज कर सकते हैं इस तरह रैंक मोड में जाकर, बस ये डैश मान लो ये यहाँ से चला गया, ठीक है, किसी की जो भी छत पर जा सकते हैं और किल जो एनिमी को आसानी से किल कर सकते हैं। वीडियो लेट हाँ होने का कारण वही है कि मेरा एग्जाम है इसलिए मैं वीडियो लेट बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो जो इसका पार्ट है हमको जो वीडियो का पार्ट है हमको भेजा है गोलू भाई ने और अपना जो है माफिया गेमिंग इंडिया ने, ठीक है, दोनों पार्ट उन दोनों भाई लोगों ने भेजा है क्योंकि मैं खुद वीडियो एडिट नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको शूज मिलते हैं, इस प्रकार के शूज आपको गेम में देखने को मिल जाएंगे, पहले ये खाली जंपिंग बोर्ड मिलते थे, आपको आप सब जगह देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब ऐसे ही आप एनिमी को जंप कर करके किल कर सकते हैं। जो लॉन्च पैड था आपको पहले यूज़ करना दिखा दिया, आपको एक और बार लॉन्च पैड का यूज़ करना दिखा दूंगा आपको।
तो आपको कुछ हर जगह अलग अलग जो लॉन्च पैड मिलेंगे आपको देखने देख सकते हैं कौन मैप में कौन कौन सी जगह आप लॉन्च पैड देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं है, बस एक जगह से दूसरी जगह लॉन्च जो लॉन्च लॉन्च पैड का जाने का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक बार दोबारा से एक और उसका बम फेंक दिखा दें, स्मोकिंग बम, ठीक है। तो एनिमी को कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है, और आपको यहाँ पर किल भी कर सकते हैं आराम से। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था। ये वीडियो बस हमको भेज दी थी गोलू भाई और माफिया गेमिंग इंडिया ने, दोनों के चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो छोटा सा अपडेट था आपको बताने के लिए वीडियो बना दी, ठीक है। तो वीडियो मुझे पता है लेट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए।